जो ईमानदारी से काम करता है न उसे भय प्रभावित करता है न लोभ प्रभावित करता है। घबरा क्यों रहे हैं? और आपने तो कहा है, सदन के अंदर कहा कि मैं फाइल खोल दूं। मैं तो चुनौती देता हूं कि जब आपकी फाइल खुली है तो आप क्यों घबरा रहे हो? नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार महागठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से बस एक ही बात कही जा रही है कि तेजस्वी यादव को परेशान करने के लिए बीजेपी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर तेजस्वी यादव पवित्र हैं, तो उन्हें डर किस बात का, उन्हें भय किस बात का, वो क्यों डर रहे हैं? आप खुद सुनिए कि विजय कुमार सिन्हा कैसे खुले मैदान में खुले तौर से चैलेंज दे रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को। ये दुर्भाग्य दुखद पूर्ण है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग संवैधानिक संस्थानों पर प्रश्न उठा रहे हैं और शब्दों की मर्यादा तोड़कर जिस तरह से अपशब्द का उपयोग कर रहे हैं और जिस तरह से बैनर लगा रहे हैं, इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है उस पद पर बने रहने का। जिस संविधान का आप शपथ लेकर आते हैं, कल आपकी केंद्र में सरकार थी और यही एक्टिविटी जब होता था, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को यही सीबीआई अंदर भेजा, उसी कांग्रेस के साथ आज सरकार में है, कल ये प्रश्न क्यों नहीं उठाए थे? उस समय किनकी जमाई थी ये लोग? ये सब संस्था पर इस तरह का वातावरण बनाना कहीं न कहीं संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति इनकी वफादारी दिखाई पड़ती है। आज माननीय न्यायालय का ऊपर हम प्रश्न उठा दें, ये संवैधानिक संस्था पर हम प्रश्न उठा दें, इस तरह के विषय रे आप सामना करें। आप पवित्र हैं तो कोई डर नहीं है, घबरा क्यों रहे हैं? और आपने तो कहा है, सदन के अंदर कहा कि मैं फाइल खोल दूं। मैं तो चुनौती देता हूं कि जब आपकी फाइल खुली है तो आप क्यों घबरा रहे हो, क्यों बेचैनी है? कल भी हमने प्रेस मीडिया के अंदर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में बैठक हुई थी कौशल विकास केंद्र 7 निश्चय का, आज उस पर क्यों नहीं आप सफाई दे रहे हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आप ही के द्वारा पत्र जारी हुआ तो भ्रष्टाचार का मामला करनी कथनी एक करना पड़ेगा, लोगों को वरगलाने से काम अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि सीबीआई बुझा रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। जो ईमानदारी से काम करता है न उसे भय प्रभावित करता है न लोभ प्रभावित करता है, और अगर जो ये भयभीत हैं तो निश्चित तौर पर दाल में कुछ काला है। आपने विजय कुमार सिन्हा को सुना, आपको बताते चले कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर कोई पवित्र है तो उसे सीबीआई और ईडी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन विजय कुमार सिन्हा ने जो भी कहा, आप उससे कितना सहमत हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।